दिल मांगे मोर के सिद्धांत नंबर 17 को हम कहेंगे री इन्वेंट योर सेल्फ एवरी ईयर। हर साल जो है अपने अंदर नयापन लाते रहना चाहिए। एक होता है पुराना शेल्फ, दूसरा होता है न्यू शेल्फ। जब तक हमारे कार्य के अंदर नयापन नहीं आया, हम लोग एक नया कौशल्य नया सीखा, हम लोग एक नया चीज को डेवलप नहीं किया, हम अपने काम के अंदर एक नया आविष्कार नहीं किया, तब तक हम लोग डिके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डिके होना यानी सड़ जाना। मैंने ये चीज बड़े खूबी से सीखा मेरे गुरु श्री संतोष नायर साहब के पास। 1997 में जब पहली बार उनको मिला, उनके पास में लीडरशिप प्रोग्राम सीखा। उनको तब सिर्फ वही एक प्रोग्राम आता था। 98 में उनके पास में सेलिंग स्किल्स भी सीखा, 99 में उनके पास में लीडरशिप स्किल्स सीखा। यानी हर साल वो नया नया चीज ढूंढते रहे, सीखते रहे, जिसकी वजह से मेरे को उनके पास सीखने का एक नया चीज मिलता रहा। 2000 में मैंने देखा वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर घुसे। 2001 में मैंने देखा कि वो मेमोरी ट्रेनिंग के अंदर भी वो ट्रेनिंग देने लगे। 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, आज 2017 तक देखता हूं तो हर साल वो अपने काम के अंदर एक नया ट्रेनिंग, नयापन, नया चीज वो अपने डिलीवरी में, मॉड्यूल में, क्रिएशन में, हर चीज में लेके आते रहते हैं, जिसके वजह से हमेशा उनके पास नया चीज सीखने के लिए रहता है। जो आदाम में संतोष नायर साहब के अंदर देखता हूं, वही चीज को मैं अपने अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं, और मैं चाहता हूं कि वही अदा उनका आप भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और हर साल अपने अंदर एक नयापन जीवन भर लगातार लाते रहिए।